ये वीडियो मैं ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, मुंबई में एक पेशेंट है जिसकी कलाई बुरी तरह से टूट गई है, बहुत बड़ा फ्रैक्चर है और उसके कलाई के रेडियस के करीब 25-30 टुकड़े हो गए हैं और काफ़ी स्वेलिंग है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से हाथ को ऊपर करके लटकाना, क्योंकि यदि स्वेलिंग रहेगी तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मुंबई से मेरे पास ऑपरेशन के लिए वो पेशेंट आ रहा है, ओल्ड लेडी हैं, 60+ की हैं, 60 से 65 के बीच की एज है, और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वहाँ ढेर सारे टुकड़े, 20-25 टुकड़े हो गए हैं, को उसको मैनेज करना है। तो प्लेटिंग और वायर्स के द्वारा वो तो ऑन टेबल पता लगेगा, अभी एक्सरे तो आइडिया लग रहा है वायर करेंगे, लेकिन यदि स्वेलिंग रही तो ना तो ऑपरेशन ही पॉसिबल हो पाएगा और ना ही वो हड्डी जुड़ेगी, क्योंकि सूजन की प्रेजेंस में हड्डियाँ नहीं जुड़ती हैं। तो इसके लिए मैंने बताया, सोने के लिए ऐसे जब आप सो रहे हैं तो सोने के दौरान आपको इस तरह से एक खूंटी, कोई दरवाज़ा खूंटी, जिस तरह से मैंने ड्रिप स्टैंड लगाया हुआ है, ये जो ड्रिप स्टैंड है इसको, ये तो बोतल लगाने का स्टैंड है, ये घर में कोई खिड़की हो या कोई दीवार में कील ठोक लें या ऊपर इसी तरह से किसी से घर में चुन्नी चुन्नी दुपट्टा कोई हो उससे इस तरह से हाथ को, यहाँ थोड़ी सी रुई लगा करके और इस तरह से हाथ को बांध लें, वो फ्रैक्चर यहाँ इस जगह पर हुआ है, इस जगह पर इस तरह से हाथ को लटका लें, उंगलियाँ खुली रहने दें, उंगलियाँ चलाने के लिए खुली रहने दें, या थोड़ी रुई लगा लें, रुई के ऊपर से क्रेप बैंडेज या चुन्नी से हाथ को इस तरह से बांध लें, और जो बॉडी है बॉडी के बीच में या तकिया रजाई लगा लें, इस तरह से ढलान बना लें, नहीं तो जिससे कि दर्द ना हो, और इसका सहारा, इसका भी सहारा बना रहे, इनका तकियों का सहारा बना रहे, और इस तरह से इसको हाथ को ऊंचा रख लें और जब थक जाएं तो उंगलियां चला लें और ऐसे ही लगा रहे। जब बहुत ज़्यादा थक जाएं तो इसको थोड़ी देर यहाँ से उतार सकते हैं, उतार के यहाँ से उतार करके और यहाँ से कोहनी से मोड़ सकते हैं, फिर ऊपर लटका लें। तो ऐसा करने से 24 घंटे के अंदर सूजन एकदम पटक जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी। डिपेंडेंट ड्रेनेज के तरीके से ये सूजन पूरा ये नीचे बॉडी के अंदर आ जाएगा और पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो सूजन की प्रेजेंस में, स्वेलिंग की प्रेजेंस में ना हड्डी जुड़ेगी ना ऑपरेशन हो पाएगा। यदि ऑपरेशन कर दिया, हाथ नीचे लटका लिया, तो सब टांके टूट जाएंगे और पस पड़ने का अंदेशा रहेगा। तो चाहे पैर का ऑपरेशन हो, चाहे घुटने का ऑपरेशन हो, चाहे कलाई का, चाहे कोहनी का, हमेशा ऐसे ऊपर ही लटका के रखा जाता है। पुराने ज़माने के अंदर जो ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल में बेड होते थे उसमें ऊपर मरीज़ के ऊपर एक लोहे का बीम रॉड होती थी, पाइप, जिस पर कि ऐसे ही हम क्रेप बैंडेज से बांध के हाथों को लटका दिया करते थे हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उस ज़माने में ऐसा होता था। आजकल के बेड में ऐसा नहीं है, तो हम ड्रिप स्टैंड इस तरह से लटका देते हैं। तो घर पर भी हम ये वीडियो हम मरीज़ को भेज रहे हैं, तो घर पर भी मरीज़ को जब तक वो मेरे पास 2-3 दिन में पहुँच रहे हैं तब तक उनको ऐसे ही हाथ रखना है और हाथ को चलाते रहना है उंगलियों को, और कलाई का और अंगूठे का पूरा मूवमेंट करिए, ऐसे पूरा पूरा मुट्ठी बंद करिए, खोलिए, ये मूवमेंट पूरा करते रहना है जिससे कि उंगलियां जाम ना हो जाएं, क्योंकि कलाई के मूवमेंट, जब कलाई का हम ऑपरेशन करते हैं तो अगर उंगलियों का मूवमेंट ना करें तो हाथ के सब मूवमेंट जाम हो जाते हैं, फिर बाद में फिजियोथेरेपी में पेन भी बहुत होता है और पूरा मूवमेंट भी नहीं आने पाता। तो ये मूवमेंट बड़ा ज़रूरी है, और कोहनी का भी मूवमेंट कर सकते हैं। कोहनी कोहनी मोड़ के दिखाओ, हाँ देख रहे हैं, कोहनी का मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट भी करते रहें और कंधे का ही मूवमेंट करते रहें, कंधे को भी आगे पीछे चला रहे हैं ये, हाँ देखिए कंधे को चला रहे हैं, कंधे का मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से पूरा पूरा मूवमेंट करते रहें, ठीक। और जब बहुत ज़्यादा थक जाए तो ऊपर से उतार के हाथ को थोड़ी देर नीचे ले आएँ और फिर ऊपर लटका दें, ठीक। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 0114243006। धन्यवाद।